सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीएम केयर्स फंड पर याचिका। एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं होगा पैसा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित किया गया है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना। कहा, पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के कुटिल मंसूबों और उनके सहयोगियों की कोशिश को तगड़ा झटका। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में विकसित हो रही कोरोना की तीन वैक्सीन में से एक आज या कल में ट्रायल के तीसरे चरण में होगी शामिल। एक वैक्सीन पहले और एक दूसरी वैक्सीन दूसरे चरण में है। हाल ही में कोरोना से ठीक हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह हल्के बुखार के बाद एम्स में भर्ती। ठीक है अमित शाह की हालत, डॉक्टरों की एक टीम कर रही है निगरानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में SYL पर हुई पंजाब और हरियाणा के बीच बैठक में नहीं बनी बात। अब चंडीगढ़ में जल्द फिर से बातचीत करेंगे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जल उपलब्धता के मूल्यांकन के लिए तय अवधि में जल्द ट्रिब्यूनल की जरूरत को दोहराया। कहा, पंजाब का पानी हर साल घट रहा है, देने के लिए नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, बननी चाहिए नहर, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। पंजाब में एक दिन के मॉनसून सत्र को नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने बताया धोखा। बोले, कोरोना काल में पंजाब में मुद्दे ही मुद्दे, लेकिन सरकार एक दिन का सत्र बुलाकर मुद्दों से भाग सिर्फ सत्र बुलाने की खानापूर्ति कर रही है। श्री फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए खत। कहा, केंद्र के किसान संबंधित अध्यादेशों को जबरन लागू करने के फैसले के खिलाफ सदन में पारित हो सर्वसम्मति से प्रस्ताव। पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से शिरोमणि अकाली दल ने बुधवार को होने वाली पार्टी की कोर कमेटी की बैठक को किया स्थगित। कोर कमेटी की बैठक अब आगे ऑनलाइन होगी। फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। कोर्ट ने छात्रों और सभी राज्यों को 3 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट उसके बाद सुनाएगी फैसला। हिमाचल प्रदेश में पहले की तरह ही जारी रहेंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्रों की परीक्षाएं। कोरोना से बचाव को लेकर मान्य होंगे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा से जुड़े 13 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 12 लोग सीएम सिक्योरिटी में तैनात जवान और एक उनका ड्राइवर कोरोना संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 18 सितंबर तक चलेगा सत्र। विधानसभा की सिटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा पूरा ख्याल। मास्क लगाना जरूरी। बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के वीर जवान प्रशांत ठाकुर। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहादत को किया नमन। शहीद के परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किए गए क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियप्पन थांगेवेलु के नाम की भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए सिफारिश।